जबलपुर में महंगाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने एक रैली भी निकाली, लेकिन जब इस विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए पहुंची तो एक घंटे से ज्यादा के इंतजार के बाद भी एसडीएम मौके पर नहीं पहुंचे तो नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर वहीं पर धरने पर बैठ गए। कांग्रेसियों के धरने पर बैठने के कारण नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ से जाम लग गया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। काफी देर बाद समझाइश का दौर चलता रहा, उसके बाद जाकर जाम खुल पाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष जगत बहादुर अनु सिंह का कहना है कि उन्होंने अपने प्रदर्शन के बारे में पहले से प्रशासन को आगाह किया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे द्वारा चेतावनी और सूचना देने के बाद भी प्रशासन का एक भी आदमी मौके पर मौजूद नहीं था। इसी के चलते नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर ही धरना देने के लिए मजबूर हुए। महंगाई, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे राशन की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल सरकार ने 40 रुपये 50 रुपये देने की बात की थी, चाहे डॉलर की बात हो, और ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर, पानी की बात है, सड़कों की बात है, अनेकों अनेक समस्याओं को लेकर रांची में आज यहाँ पर एक रैली निकाली गई, जन आक्रोश रैली निकली, उसके बाद ज्ञापन देने की बात थी, परंतु एक घंटे तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया। टीआई महोदय के अलावा कोई भी कलेक्ट्रेट से आदमी नहीं था, जिसके कारण कांग्रेस जनों ने यहाँ पर चकाजाम किया, श्रृंखला मानव श्रृंखला बनाई, मानव श्रृंखला बनाकर और अपना विरोध प्रदर्शन जारी किया, और फिर उसके बाद ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि आप क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं, कलेक्टर महोदय, ये सत्ता तो सुन नहीं रही है, विधायक जी, कि कोई भी जो आया है वो हर समय नहीं रहेगा, आप जनता की ओर ध्यान दें, उनकी बातों को सुने।